एक चमत्कार से मैं सबसे ज्यादा विचलित हुआ। पहले ही हमारे देश में किसान लोग जो होते हैं, भारत के किसान बहुत बुरी अवस्था में हैं। जो नंबर्स अवेलेबल है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 95 से 2011 तक ये 16 सालों में करीबन 7,50,680 लोगों ने आत्महत्या की है, किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें केवल 1,00,000 किसान तो महाराष्ट्र के ही है। क्यों ये आत्महत्याएं किसान करते हैं? क्योंकि उनके उपज को दाम नहीं मिलता है। जब भी दाम बढ़ते हैं सरकार हस्तक्षेप करती है और उनके दाम कैसे नीचे आए ये देखती है, क्योंकि हमारे सरकार का अर्थव्यवस्था का नियोजन इसी ढंग से है। कृषि माल को कम कीमत दो, उसमें से अतिरिक्त मूल्य निर्माण करो और औद्योगिक माल को ज्यादा कीमत दो ताकि औद्योगिक विकास हो सके। ये बात मैंने बहुत विस्तार से गांधी जी का ग्राम स्वराज्य, यानी सही माने में उनका जो किताब है हिंद स्वराज, ये हिंद स्वराज का परिचय देने के बहाने ग्राम स्वराज्य की बात गांधी जी के मैंने आपके सामने रखी। 5 व्याख्यान YouTube पर उसके उपलब्ध है, श्याम मानव चैनल पर, उसमें बहुत विस्तार से ये बात रखी है। दिन ब दिन परिस्थिति बिगड़ती गई। जो हमारे नियोजन आयोग के यानी प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष रहे, प्लानिंग कमीशन का उपाध्यक्ष करीबन अध्यक्ष होता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उनके अध्यक्ष होते हैं, वो तो डे टू डे वर्किंग में ध्यान नहीं डालते हैं, उनका नाम धनंजय राव गाड़गे। उन्होंने सातवें दशक में 1970 के पहले 65 या 66 की बात है ये, उन्होंने कहा था कि हमारे देश का किसान जब मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है, कोई चीज खरीदने के लिए जाता है, चाहे नमक खरीदने के लिए जाता है, चाहे तेल खरीदने के लिए जाता है, वो 3 पायलिया अनाज लेकर जाता है। पायलिया अनाज गिनने का एक माप है, और आते वक्त वो 2 पायलिया अनाज लेकर वापिस आता है। यानी केवल मार्केट में जाने के बाद में 33% उसका लॉस होता है, क्योंकि उसके अनाज को कम कीमत मार्केट में दी जाती है, उत्पादन मूल्य के अनुसार कीमत नहीं दी जाती है। इस ढंग की अर्थव्यवस्था हमारे देश ने ही स्वीकारी थी, उसको नेहरू जी की मिश्र अर्थव्यवस्था कहते हैं, और अभी तो खुली अर्थव्यवस्था हो गई हमारी, उसमें तो और भी किसानों का शोषण बढ़ा है। तो शायद आज के जमाने में किसान जब मार्केट में जाता है तब 3 पायलिया अनाज लेकर जाता है और 1 पायली वापिस लाता है, तो बेचारा क्या होगा। इस कारण उसके ऊपर बड़े पैमाने पर इस लोन का प्रेशर बढ़ते जाता है और उसी के नीचे दबकर वो मरता है। ये आज के किसान की हालत है। मराठवाड़ा में, विदर्भ में किसानों की बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं। आज कोई वो विषय में नहीं ले रहा हूं, इसलिए बहुत विस्तार से उसमें नहीं जाऊंगा। जिनको रुचि है उनके लिए मैंने पहले ही कह दिया कि 5 व्याख्यान इस विषय पर है, आप सुन सकते हो। मराठवाड़ा में बड़े पैमाने पर पानी की किल्लत है। पश्चिम महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर गन्ना लगाया जाता है। मराठवाड़ा के लोगों ने भी बड़े पैमाने पर गन्ने लगाने शुरू किए, वहां शुगर मिल्स निर्माण हुई। गन्ना ये बहुत पानी पीने वाला उपज है, पानी का बहुत शॉर्टेज है, और लोग पानी प्राप्त करने के लिए किसी भी ढंग से अपने खेतों में जगह जगह बोर लगाते हैं, कुएं खोदते हैं ताकि पानी मिल जाए। और इस अवस्था में ये जो किसान की एक बहुत ही बुरी हालत है, उस अवस्था में कुछ ठग उनको बड़े पैमाने पर ठग रहे हैं, वो विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं। हो सकता है ये युवक पढ़े लिखे हो, शायद बेरोजगार हो, शायद अपने रोजी रोटी कमाने के बारे में ज्यादा सोचते हो, लेकिन पहले ही मरे हुए किसान जो है उनको ठग कर अपनी रोजी रोटी कमाना
ये तो चोरी से भी बदतर हालत है। और केवल ये मराठवाड़ा में शुरू नहीं है, विदर्भ में शुरू नहीं है, पूरे भारत में ये बात शुरू है। और इसलिए मैंने आज ये विषय लेने का तय किया था। ये जो ठगते हैं, ठगी करने वाले लोग, ये क्या करते हैं? ये पहला काम करते हैं कि लोगों को पानी जमीन के अंदर कैसा ढूंढे इनके टोटके सिखाते हैं। इसके लिए YouTube चैनल का भी उपयोग करते हैं। मुझे कुछ सवाल आए थे, आप जो सवाल पूछते हो उसमें ये सवाल पूछे गए थे। मेरे ध्यान में भी नहीं था कि इतनी बड़ी ठगी बड़े पैमाने पर चलती होगी। और इसलिए सवाल आए, इसलिए मैंने केवल टाइप कर देखा जमीन के अंदर पानी ढूंढना, और मेरे सामने इतने YouTube पर वीडियोस आ गए कि मैं देखकर दंग रह गया, उनको सुनते गया, और मेरे ध्यान में आया कि ये विषय लेना बहुत आवश्यक है। किस किस ढंग से पानी ढूंढा जाता है जमीन के अंदर का, नारियल के जरिए। नारियल के जरिए पानी ढूंढना यानी क्या? लोग आगे चलते हैं और जहां पानी होगा वहां नारियल खड़ा हो जाता है। अब ये नारियल कैसा खड़ा हो जाता है, क्यों खड़ा हो जाता है, इसके बारे में हम सोचेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रकार क्या है। मेरे लिए नया नहीं, केवल ये नारियल प्रकार नया है। अंदर का पानी ढूंढना ये प्रकार नया नहीं, उसके बारे में भी मैं आपके सामने विस्तार से बोलने वाला हूं। लेकिन पहले ये वीडियोस में क्या कहा गया है वो आपके सामने रखूंगा। ये जो ठगी करने वाले लोग हैं, जो चैनल्स चला रहे हैं, उसमें सबसे ऊपर है एग्रो वन चैनल। हालांकि ये पुणे का सकाळा नाम का जो एक डेली है, उनका एग्रो वन नाम का एक वीकली चलता था, डेली चलता था, अभी भी चलता है। उसके संपादक मेरे मित्र निशिकांत भालेराव थे काफी सालों तक। खेतीहरों के किसानों को मदद करने के लिए ये न्यूज़पेपर चलता था, उसी नाम से ये एग्रोवन नाम का चैनल है। सकाळ से इसका कोई संबंधिकता नहीं है। इसके कई वीडियोज है, उसमें से कम चार वीडियोज मैंने देखे। कौन कौन से प्रकार से जमीन के अंदर का पानी ये लोग ढूंढते हैं? नारियल जमीन पर रखना, चाहे एक तवे के अंदर एक डिश के ऊपर ये नारियल रखना, उसके ऊपर एक को बिठा देना, बैठने के बाद में वो घूमने लगता है। तो जहां घूमने लगता है वहां पर पानी है, जमीन के अंदर नीचे 20 फीट 30 फीट 50 फीट अंदर पानी है। ये एक प्रकार। दूसरा, मैंने जैसा आपको बताया, हाथ में नारियल लेकर चल रहे हैं, चल रहे खेत में, जहां नारियल खड़ा हो जाता है वहां पर पानी है। अगर थोड़ा पानी है तो थोड़ा सा खड़ा होगा, और बहुत ज्यादा पानी है तो वहां पर पूरी तरह से खड़ा हो जाएगा। ये दूसरा प्रकार, नारियल हाथ में लेकर घूमना, जहां खड़ा हो जाएगा वहां पर स्रोत है पानी का, ये मानना। ये दोनों तरीके एक साथ भी उपयोग में लाए जाते हैं। एक व्यक्ति नारियल में बैठेगा, जहां घूमेगा वहां पानी है, और दूसरा व्यक्ति हाथ में नारियल लेकर घूमेगा, लेकिन दोनों का ब्लड ग्रुप एक चाहिए। ये उसके पीछे का साइंस, दोनों का अगर ब्लड ग्रुप एक रहेगा तो ही ये दोनों में कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और एग्जैक्ट जगह ढूंढी जाएगी। फिर दो एल शेप के दो रॉड्स लेकर पानी ढूंढा जाता है। अब ये मैंने दो तार एक साथ जोड़ दिए है, एक ही तार का होता है, जनरली तांबे का तार होता है ये, हाथ में इस ढंग से रखने का और इसको लेकर चलने का। चलते चलते जब ये डिफ्लेक्ट होता है बड़े पैमाने पर, तो डिफ्लेक्ट हो गया तो वहां पर पानी का स्रोत है, ये मानना। अब ये
कल्पना ऐसी है कि हाथ को हमने कुछ नहीं करना है, केवल चलना है, चलते चलते ये अपने आप डिफ्लेक्ट होगा। जब डिफ्लेक्ट होगा तब सही माने में वहां पर पानी है, पानी का स्रोत है, ऐसा मानना। फिर वाई शेप की लकड़ी, ये जो वाई शेप की लकड़ी होती है ये दो प्रकार की होती है। ये लकड़ी, अब ये थोड़ी टेढ़ी टाढ़ी मिल गई, मुझे आपको केवल समझाना है, बताना है। ये लेकर चलना, जहां पर ये जमीन की ओर झुकेगी वहां पर पानी का स्रोत, इसको डाइविंग कहा जाता है। तो ये डाइविंग रहा। अब इसको भी मैंने तारका बनाया ताकि आपको ठीक ढंग से बताया जा सके। ये तारका नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, पर लेकिन जनरली ये लकड़ी का उपयोग में लाते हैं। आज से नहीं है, कम से कम 400-500 सालों से इसका उपयोग होता है। इसको डाइविंग कहते हैं, डाउजिंग कहते हैं, बाद में मैं सब विस्तार से आपके सामने रखने वाला हूं। इतना ही नहीं तो तीन कॉइन्स, इसके भी जरिए ये चमत्कार किया जाता है। एक्स के जरिए भी चमत्कार किया जाता है। एक है, अगर ये एक लेकर चल रहे हैं और चलते चलते खड़ा हो गया एक, तो इसका मतलब ऐसा है कि ये खड़ा हो गया तो फिर वहां पर पानी है। अब महाशय ने अभी नया वीडियो डाला है, एग्रोवन वाले ने, उसमें तो उन्होंने बताया है कि यूट्यूब भी, यानी ट्यूबलाइट जो होता है अपना, ये ट्यूबलाइट भी अगर पानी का स्रोत रहे तो जल जाएगा, लेकिन अभी तक उनका जला नहीं। वे कहते हैं कि ऐसा कोई आदमी लगेगा जिसका करंट बराबर मैच हो जाए। अब ये क्या प्रकार है? ये सारा का सारा प्रकार बहुत भयानक। ये जो सारा प्रकार है, फिर इसमें चारों ओर अगरबत्ती भी रखी जाती है, चारों ओर की अगरबत्ती जगह रखी गई और उसमें आदमी घूमता है तो उसके आधार पर भी ये जगह ढूंढी जाती है। ऐसे कई प्रकार आपको मिलेंगे। एग्रोवन मराठी चैनल ने ही इतने अलग अलग प्रकार बताए। ये इंसान क्या बोलता है? चैनल का प्रमुख है, मैंने उसका नाम ढूंढने की कोशिश की, नाम कहीं मिला नहीं। वे कहते हैं मैं सात्विक इंसान हूं, सात्विक मन का इंसान हूं। पहले मैंने मेरे खेत में 115 बोर लगाए। मेरे खेत में यानी एक किसान का बेटा है या फिर खुद किसान है। पानी नहीं लगा। फिर मैंने एक व्यक्ति को बुलाया जो इसमें एक्सपर्ट है, जिसको पानका कहते हैं, पानाड़ी कहते हैं, इंग्लिश भाषा में इसको डाउजर कहते हैं, डाइवर कहते हैं। ये पानाड़ी, पानका, इसको जब मैंने बुलाया, किसको बुलाया उनका नाम भी मैं आपके सामने रखूंगा बाद में, तब उन्होंने प्रयोग किए और इस प्रयोगों के आधार पर मुझे 6 जगह बताई और 6 के 6 बोर लगे। फिर मैंने बताए हुए लोगों के 23 बोर लगे, 23 बोर्स लगे। कहते हैं हम खास पानी लगता है, और फिर बीच में कहते हैं नसीब में होगा तो पानी लगेगा। अब ये भाषा ही मेरे समझ में नहीं आ रही, ये ठगों की भाषा होती है। बिल्कुल 100% पानी लगेगा, हम खास पानी लगेगा, लेकिन आपके नसीब में होगा तो लगेगा। चित भी मेरी, पट भी मेरी। उनके गुरु का नाम बाळू मामा कांदळकर, तळेगाव दिघी के ये व्यक्ति है, नगर जिले के। उन्होंने खुद ये प्रयोग बताए हैं। वे जब रॉड्स लेते हैं, तांबे के बड़े रॉड्स हैं, कैमरा और मेरे में जितना डिस्टेंस है उसमें पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने ये तार के रॉड्स आपको केवल बताना है। इसलिए ये कांदळकर नाम के जो उनके गुरु है बाळू मामा, वो जब घूमते हैं खेतों में, जहां पानी का स्रोत लगता है वहां पर तो ये तार इतने जोर से घूमता है कि उनके पूरे शरीर पर से ऐसा घूमते लगता है बिल्कुल। अब ये दिखता है कि वो हाथ से घुमा रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं कि इतना बड़ा पानी का करंट आ गया है इस कारण ये घूम रहा है।
ये हाथ से दिखता है कि वो घुमा रहे। वैसे भी अगर अब ये स्ट्रेट है तो ये स्ट्रेट ही रहेंगे, हम सीधा सीधा चलते रहेंगे। जैसे ही किसी कारणवश हमारा थोड़ा ऊपर जाता है तो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि इसका वजन है, घूमने के लिए जगह है, ये घूम जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। इतना सिंपल इसमें का लॉजिक और साइंस है। लेकिन ये डिफ्लेक्ट क्यों होता है कि पानी के रेडिएशंस यहां तक पहुंचते हैं या फिर पानी का करंट ऊपर तक पहुंचता है इंसान के शरीर में, और शरीर के जरिए वो हाथ में आता है और इसलिए ये डिफ्लेक्ट होते हैं। ये उसके पीछे का कारण लिया रहता है। उनके हाथ का जो नारियल था, ये बाळू मामा कांदळकर जो सिद्धहस्त पाणके है, पानी ढूंढते, उनके हाथ का नारियल केवल खड़ा नहीं हुआ, वो उछलने लग गया, यानी गिरने तक उछलने लग गया अपने आप। ये अपने आप हो रहा है, ये हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, ये दिखता है, वीडियो अवेलेबल है, आप खुद इस बात को देख सकते हो। और फिर भी ये चमत्कार लोगों के सामने किया जाता है। ऊपर से वे गुरुजी दावा करते हैं कि मैं एक पैसा भी नहीं लेता। और ये एग्रोवन चैनल के जो प्रमुख है वो कहते हैं कि हमारे गुरु एक पैसा नहीं लेते हैं, मैं भी एक पैसा नहीं लेता हूं। लेकिन बाद में वो आह्वान करते हैं लोगों को कि मेरे गुरु कार से आते हैं तो उनको आने जाने का खर्चा तो कम से कम हमने देना चाहिए, और पानी अगर लगा तो बीरोबा के मंदिर को दान देना चाहिए। और फिर गुरुजी कहते हैं कि मैंने करोड़ों का मंदिर मैं बना रहा, करोड़ों रुपए ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट कर चुका। अब मित्रों ये क्या है? पानी लगा तो दान दीजिए, एक पैसा मैं नहीं लूंगा, आने जाने का खर्चा चाहिए, हम एक पैसा नहीं लेते, कार से आते हैं। बाद में इस ढंग से आह्वान किया जाता है। ये जो व्यक्ति है एग्रोवन, एग्रोवन नाम बहुत ही महाराष्ट्र में फेमस है सकाळ के कारण। सकाळ एक रिस्पेक्टेड डेली है, मैंने पहले ही कहा कि उसके संपादक एग्रोवन के मेरे मित्र शशिकांत भालेराव थे। खेतीहरों में, किसानों में एग्रोवन इस नाम के बारे में बहुत प्रेम है, आदर है। और ये एग्रोवन चैनल के महाशय कहते मैं लोगों को मदद करना चाहता हूँ, लोगों का उपकार करना चाहता हूँ, उन पर किसानों के प्रति मेरे मन में बहुत अच्छे भाव है, उनके लिए मेरी मन में सहानुभूति है, उनको मदद करने के लिए लोक सेवा मैं कर रहा हूं। और ये ठगी का धंधा खोल कर बैठे, ठग चाहे पैसा ले चाहे ना ले, वो लोगों का नुकसान ही करता है। अब मित्रों बाकी भी हम देखेंगे। मैं खास कर मराठवाड़ा से रिलेटेड चैनल्स को ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा तीव्र समस्या वहां पर है। करमाळा फिल्म सिटी चैनल का नाम है। ये एक तवा यानी एक डिश लेता है, ये डिश पर नारियल रखता है, उस पर आदमी को बिठाता है, घुमाता है, दूसरा नंगे पैर हाथ में नारियल लेकर घूमता है, दोनों का रक्तगट एक चाहिए। और जहां पर नारियल खड़ा हो जाता है और नारियल पर बैठा व्यक्ति घूमता है, वहां पर पानी का स्रोत है, वहां पर बोर लगाइए। अब जब हम देखते हैं ये चैनल तब हमें दिखता है कि वो आदमी हाथ लगाकर, वो नारियल पे तो बैठा है दो पैर रख के, लेकिन हाथ लगाकर अपने आप को घुमा रहा है। फिर माझा वारकरी चैनल है, वो शुरुआत में ही कहते हैं कि 100% पानी मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन आपका नसीब अच्छा होगा तो पानी मिलेगा। फिर यही नारियल हाथ में लेकर चलना,
तवे के ऊपर नारियल रखना, उस पर इंसान बिठाना, वो घूमना, और एल शेप के रॉड जो मैंने आपको बताए वो, ये तीनों प्रकार के जरिए ये पानी ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर रमेश सुरवणे नाम के व्यक्ति का चैनल है, इसका उसमें भी यही वर्णन आपको मिलेगा, नारियल खड़ा होता है, नारियल घूमता है आदमी बैठने के बाद में, उसमें एक आदमी हाथ लगाकर अपने आप को घुमाता है ये भी दिखता है, उसी के हाथ पर नारियल खड़ा होता है ये भी दिखता है। और ये रमेश सोनौने चैनल वाले ने थोड़ी अक्ल लगाई, वही के सामान्य किसानों को जब नारियल पर बिठाया गया तो नारियल नहीं घुमा। अब सीधी बात है कि जो पानाड़ी है, जिसका धंधा है, वो नारियल पर बैठता है तब वो घूमता है, यानी आदमी घूमता है नारियल के साथ में। जब सामान्य किसान तीन बिठाए जाते, ये भी वीडियो में ही है, वो घूमते नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया ना कि उस जगह पर जहां ऑलरेडी इन्होंने ढूंढा है कि वहां पर पानी है, पानी का स्रोत है, वहां पर सामान्य किसान बैठते हैं तो नारियल घूमता नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि कोई तो भी डिलिबरेटली अपने आप को घुमाता है, ये बात वहां एस्टेब्लिश हो गई। ये रमेश सोनौनी जी ने फिर भी इसका समर्थन किया कि पानी का स्रोत इसे ढूंढा जा सकता है। हालांकि थोड़ा वो दिमाग लगाते, अपना दिमाग साफ रखते, तो ये ठगी ऑलरेडी उन्होंने वहां पर उजागर की है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ऐसे तरीके से पानी ढूंढा जा सकता है। फिर गार्डन मास्टर है, शेती गुरु जी है, वाटर डाउजिंग पांडुरंग नाम का चैनल है, ऐसे कई चैनल्स हैं, मैं कितने के नाम लू आपके सामने। इसमें और क्या है, और एक है साइंस के नाम पर दे दे बाबा, मुझे इस चीज का तो ज्यादा ही गुस्सा आता है, द बोटेनिस्ट चैनल है, नाम ही द बोटेनिस्ट है, वनस्पति शास्त्र। टोटका बता रहा हूं, शुरुआत करते हैं अभी, वनस्पति शास्त्र ये साइंस का हिस्सा है, बॉटनी ये विषय साइंस का हिस्सा है, चैनल का नाम बॉटनिस्ट है। फिर कहते हैं, मैं टोटका बता रहा हूं, आपका बोर फेल नहीं होगा। अब साइंस में टोटके के लिए कहां जगह है, और ठगी का टोटका वो लोगों को बताते हैं, यही सब नारियल घूमना, नारियल हाथ में सीधा खड़ा होना। इससे भी और एक इंटरेस्टिंग नाम है, जीनियस साइंस, नाम जीनियस साइंस चैनल, यहां इन्होंने अपना नाम दिया है, उनका नाम है MC शीरसाट, ये विज्ञान के शिक्षक है, लातूर के दो बंदे उन्होंने वहां लाए हैं, एक है तुकाराम भोईने और दूसरे का नाम है कुछ राठौड़, ये पानाड़ी है, पानके है, डाउजर है, अपने खेत में वो लाए। इसमें का एक जो है तुकाराम भोईने, वो तो डायरेक्ट केवल आंखों से देखता है और उसको पता चलता है कि जमीन के अंदर चाहे कितने भी फुट अंदर हो, 50, 60, 100 फुट नीचे हो, पानी उनको दिखता है, दिव्य दृष्टि वाले कि जो देखते ही उनको अंदर का पानी दिखने लगता है। वो कहते हैं, मैं आंखों से देखता हूं, केवल कितने फुट अंदर है ये नहीं बता सकता। जो दूसरे राठौड़े, वो इस ढंग के टोटके उपयोग में लाते हैं, नारियल जमीन पर रखा, उस पर बैठे, नारियल घुमा, फिर ये जो रॉड्स होते हैं, डाउजिंग रॉड यानी वाई शेप का रॉड, ये वाई शेप के रॉड के जरिए भी उन्होंने ढूंढा, वहां पर पानी है, यानी ये अगर नीचे जाता है जहां भी झुकता है, अभी हलेक के अलग अलग नियम होते हैं, चल रहे सीधा चल रहे, झुक गया नीचे, बस वहां पर पानी है, इस ढंग से तो वो उसके जरिए भी कहते हैं कि वहां पर पानी है। स्पॉट उन्होंने फिक्स किया। अब विज्ञान शिक्षक क्या कहते हैं, शिरसाट जी,
वे कहते हैं, उसको धमकी देते हैं राठौड़ को प्यारे शब्दों में, देख भाई यहां पर पानी नहीं लगा तो मैं पैसे वापस लूंगा और जो खर्चा बोर को आएगा वो भी मैं लूंगा। फिर इसी वीडियो में वो कहते हैं कि मेरा इन बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन क्या करूं, मेरे पिताजी इन चीजों को मानते हैं, उनकी श्रद्धा है, उनके लिए मैं कर रहा हूं। अब मेरे सामने ये सवाल है कि मेरे पिताजी भी बहुत अंधविश्वासी थे, मैं आगे कहने ही वाला हूं। जब आपको पता है कि आपका विश्वास नहीं है तो ठीक है ना, पिताजी के लिए प्राइवेट में आप कीजिए, उसका वीडियो डालकर लोगों को ठगने में आप क्यों सहायक होते हो, किस लिए सहायक होते हो, उसके पीछे का कारण क्या है, ये मेरे समझ के बाहर की चीज है। इसलिए मैं इतना ही उनको आग्रह करूंगा कि आपके चैनल का नाम आप बदल दीजिए, इस चैनल का नाम ठगी साइंस ऐसा रखिए, थोड़ा सभ्य साइंस का नाम रखना है आपको तो सूडो साइंस रखिए, ये जीनियस साइंस नाम कृपया निकाल दीजिए। कम से कम साइंस का नाम बदनाम करने का आपको अधिकार नहीं। हालांकि आपने ये वीडियो नहीं डालना चाहिए, जब आपका खुद का विश्वास नहीं है, आप केवल अपने पिताजी के लिए, ठीक है मैं मानता हूं हमारे माँ बाप अंधश्रद्धा हो सकते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं तो उनके लिए हम कुछ चीजें करते हैं, लेकिन उसका कम से कम हमने समर्थन नहीं करना चाहिए, बाकी लोग ठगे ना जाए ये हमने देखना चाहिए। और ऐसे काफी वीडियोज है, ऐसे काफी चैनल्स है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो मित्रों ये सब प्रकार क्या है, हिंदी में भी काफी चैनल्स है, यानी एक बार आप जमीन के अंदर का पानी टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो आपको 50-50 तो भी वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी, इतने बड़े पैमाने पर ये ठगी चलती है। अब मैं इसको ठगी क्यों कहता हूं ये भी आपके सामने पेश करूंगा, मुझे विस्तार से ये विषय आपके सामने रखना होगा, ये मेरा विषय रहा है। शुरुआत में ऐसे कई आह्वान मैंने अपने जीवन में लिए हैं, इसको पूरी दुनिया में पैरासाइकोलॉजी के क्षेत्र में, जिसको परामानस शास्त्र कहा जाता है, डाउजिंग कहते हैं, DOWSING, या फिर डाइविंग कहते हैं, DIVING। काफी अमेरिकन पैरासाइकोलॉजिस्ट इसको वाटर वॉचिंग कहते हैं, वाटर फाइंडिंग कहते हैं, अलग अलग नाम है। इन शॉर्ट जमीन के अंदर का पानी ढूंढना, मराठी में इसको पानाड़ी कहते हैं, पानके कहते हैं, ये भी नाम है। कम से कम 16वीं शताब्दी से ये प्रकार चल रहे हैं, इसके हमें प्रमाण मिलते हैं। मैंने पहले ही कहा कि मेरे पिताजी बहुत अंधविश्वासी थे, विद्वान गृहस्थ थे, विनोबाजी भावे जैसे बहुत बड़े व्यक्ति के एक जमाने में वो सेक्रेटरी रहे हैं, उदान आंदोलन के फुल टाइमर रहे हैं, सरोदयी लोगों का साम्योग नाम का एक वीकली चलता था उसके संपादक रहे हैं, फिर भी बहुत अंधविश्वास। मेरे घर में काफी जमीन थी, मेरे गांव के जमीन के खेतों के खेतों में पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, 10-15 फीट पर आसानी से पानी लग जाता था। अच्छे खासे 3 कुएं थे हमारे खेतों में, लेकिन वर्धा के घर में पानी की बड़ी किल्लत थी। हम वर्धा में रहते थे, हमारा खुद का घर वर्धा में था, पानी नहीं था, जो कुआं था घर में उसको पानी नहीं था, यानी झरना नहीं था, बरसात का पानी केवल इकट्ठा होता था, और ग्रीष्मकालीन अवस्था में, धूप काले में, गर्मी की अवस्था में बहुत बुरे हाल होते थे। इसलिए उन्होंने डाउजर्स को बुलाया, रत्नागिरी से बुलाया, आने जाने का खर्चा दिया। तब मेरे पिताजी ने वर्धा के पास में सेवाग्राम, वर्धा रास्ते में एक खेत भी बिकट लिया था, उसने जो जगह बताई वहां पर उन्होंने करीबन 30 फीट कुआं खोदा, रत्नागिरी से जो पान का बुलाया था, डाउजर बुलाया था, बहुत ही फेमस था,
बिल्कुल 100% पानी निकलता है, इसकी गारंटी देने वाला था। 30 फुट के ऊपर खोदा गया, पत्थर ही पत्थर लगा। उन दिनों में बोर की व्यवस्था आसानी से नहीं होती थी, नेचुरली बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ा। फिर उसको बुलाया गया, वो कहे कि आपने कहा था कि आपके घर के अंदर ही कुआं खोदना है, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था, लेकिन आपके सामने का जो प्लॉट है जो आपका नहीं है वहां पर 100% पानी, सामने का प्लॉट खाली पड़ा था। मेरे पिताजी ने वो सामने के प्लॉट में डाउजर ने बताया, इसलिए कुआं खोदा, उसके मालिक के साथ में सौदा किया कि कुएं का पूरा खर्चा मेरा रहेगा, आधा पानी तुम्हारा आधा पानी मेरा। उन दिनों में कुआं खोदने के लिए बहुत बड़ा खर्चा आता था, क्योंकि कुआं खोदने का कोई शॉर्ट तरीका था ही नहीं, क्योंकि आप जैसे जैसे अंदर जाते हो आपको बांधना ही पड़ता है ऊपर का हिस्सा, और बहुत बड़ा घेरा लेना पड़ता है, नहीं तो आदमी दबकर मर जाए। इसलिए वो तैयार हो गया, क्योंकि उन दिनों में पानी कुएं से ही पानी मिलता था। ये बात है 68-69 के आसपास की, मैं जब स्कूल में था, मैट्रिक में था, तब की बात। दूसरा भी कुआं करीबन 30-35 फीट खोदा गया, पानी नहीं लगा। फिर उसने कहा कि इस एरिया में पानी की थोड़ी दिक्कत है, मैं पहले ही आपको थोड़ा सा बताने वाला था, लेकिन आपका इतना उत्साह देखकर मैंने सोचा चलो चांस लिया जाए, लेकिन आपके खेत में 100% पानी। वर्धा सेवाग्राम के रास्ते पर जो पिताजी ने मेरा यानी मेरे पिताजी ने खेत लिया था वहां पर खोदा, वहां पर भी पानी नहीं लगा। फिर भी मेरे पिताजी का अंधविश्वास कायम रहा। उन दिनों में किसानों की हालत आज से बहुत बेहतर थी, आज से अच्छे दाम मिलते थे। इसके बावजूद उस कारण मेरे घर के क्या हाल हुए मैंने खुद अनुभव किए। हमारे घर में पैसे नहीं है इसलिए ट्रांजिस्टर नहीं लिया गया जिंदगी भर। पिताजी को बहुत न्यूज सुनने की आवश्यकता लगती थी, तो दूसरों के घरे में घरों में जाकर सुनकर आते थे, लेकिन खुद कभी ट्रांजिस्टर नहीं लिए। मैं कॉलेज में जाता था, 4 किलोमीटर पैदल जाता था, लेकिन मुझे साइकिल लेकर नहीं दी, क्योंकि पैसों की बहुत किल्लत है, और इसमें हजारों रुपए डूबो दिए। किसान इस अंधविश्वासों के कारण कैसे लूटा जाता है, ठगा जाता है, ये मैं बचपन से अनुभव कर रहा हूं। किसान का बेटा हूं इसलिए मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, और ये सभी के सभी लोग, ये केवल ठगी के हिस्सेदार नहीं, खुद ठग बने हुए घूम रहे हैं। अब मित्रों, ये जो वाई शेप का रॉड होता है, आपको एग्जैक्ट आकार का पता चले इसलिए मैं कह रहा हूं, इसका बहुत लंबा इतिहास है। ये जो YouTube चैनल वाले हैं सब कृपया विकिपीडिया देखें। भाई आप जो कर रहे हो वो कितना साइंटिफिक है, कितनी उसमें सच्चाई है, कम से कम ढूंढो तो। जाने अनजाने में हमारी ओर से लोग ठगे न जाए, ये देखना हमारा कर्तव्य है। और आप अपने आप को किसानों के हितैषी कहते हो, किसानों के बेटे कहते हो, किसानों के बेटे होकर भी खुद किसानों को ही ठगते हो। विकिपीडिया पर, इंटरनेट पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्या इतिहास है ये, डाइविंग का मतलब क्या होता है, डाउजिंग का मतलब क्या होता है, उसकी व्याख्या क्या है। साइंटिफिक साधन के बगैर जमीन के नीचे का पानी या मेटल ओर्स, जेमस्टोन्स, ऑयल ढूंढने के लिए उपयोग में आने वाले साधन, और जो व्यक्ति ये करते हैं उनको कहते हैं डाइवर्स, डाउजर्स, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है डाइविंग और डाउजिंग। साइंटिफिक साधन के बगैर जमीन के अंदर का पानी ढूंढना या कोई भी चीज ढूंढना, इसके बारे में विकिपीडिया में आपको शुरुआत में ही उल्लेख मिलेगा, ये सूडो साइंस है, छद्म विज्ञान है, यानी ठगी का विज्ञान है।
इसमें आज तक जितनी भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई, जितने संशोधन हुए, उसमें रैंडम चांस के अलावा कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये शुरुआत में ही विकिपीडिया में आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर लॉर्ड घूमते कैसे हैं? एक्सीडेंटली घूमते या फिर इडियोमोटर, इसके उच्चारण इडियोमोटर भी होता है, आइडियोमोटर भी होता है, इडियोमोटर रिस्पांस के कारण ये होते हैं। अब इडियोमोटर रिस्पांस, ये मेरा विषय है, मैं लोगों को सम्मोहन सिखाता हूं। सम्मोहन में हम एक पेंडुलम का प्रयोग करते हैं। ये पेंडुलम के प्रयोग में पेंडुलम को धागा बांधते हैं, मैं आपको कर बताऊंगा बाद में, आज नहीं, अगले चमत्कार के प्रयोग के समय। और जो भी सजेसिबल सब्जेक्ट होते हैं वो बिल्कुल हाथ हिलाते नहीं, इसके बावजूद वो पेंडुलम गोल गोल सर्कल मारने लगता है। क्योंकि हम खुद करते नहीं है, लेकिन हमारे हाथ से अपने आप इस ढंग से हम ऑसिलेट करते हैं कि वो पेंडुलम गोल गोल घूमना शुरू करे। इसको इनवॉलेंटरी मोमेंट्स कहा जाता है, इडियोमोटर रिस्पांस कहा जाता है। जैसे अचानक मक्खी बैठी तो आप थोड़ी सोचते हो मक्खी उठाना है इसलिए हाथ उठाओगे, जैसे ही मक्खी आपके नाक पर बैठने के लिए बैठती है तुरंत आपका हाथ जाता है, फटाक से उसको उड़ा देता है। ये जो हमारी प्रक्षिप्त प्रतिक्रिया है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ये इडियोमोटर एक्शन है, तुरंत होने वाली। लेकिन हमारे कॉन्शियस लेवल पर इसकी जानकारी हमको कम होती है। मैंने जो स्व सम्मोहन व्यक्तित्व विकास कार्यशाला का व्याख्यान आपके सामने दिया, जो अवेलेबल है YouTube पर, श्याम मानव चैनल पर, उसके शुरुआत में हैंड्स टूगेदर सजेशन दिए और आप सबको करने के लिए कहा है कि आप अब मन ही मन अपने आप को कह रहे हो मेरा हाथ नजदीक खिसक रहा है, खिसक रहा है, खिसक रहा है, और एक दूसरे को टच हो रहा है। आप में से मैक्सिमम लोगों का हाथ नजदीक आ जाता है, आप खुद हिलाते नहीं हो, फिर भी ये इडियोमोटर रिस्पांस। तुळजापुर में भवानी का दगड़ है, तुळजापुर जो मंदिर है महाराष्ट्र में, वहां पर एक भवानी का पत्थर है। ये भवानी के पत्थर पर अगर आप हाथ रख दिए और आपने सवाल पूछा मेरी शादी होगी, और वो दाहिने ओर घूम गया तो मेरी शादी होगी, बाएं ओर घूम गया तो नहीं होगी। खुद हम करते हैं, हम खुद ही उसको घुमाते हैं और खुद ही उसको हमने नहीं घुमाया ऐसा मानते। ये इडियोमोटर रिस्पांस के कई उदाहरण। अब इसके पीछे साइंस क्या है? साइंस यही है, ये बार बार प्रूव हो चुका है कि हम खुद करते हैं और हम ही मानते हैं कि हमने नहीं किया। मैं तुळजापुर के भवानी के पत्थर से शुरुआत करूंगा। मैं वहां खुद गया था, फोटो निकाले हैं, सब पेपर मेरे किताब में वो सब चीजें डाली है मैंने फोटो के साथ में। वहां गए हम, एक एक बैठ रहे हैं पत्थर के सामने, हाथ लगा रहे हैं। सबको मैंने हिदायत दी थी कि बिल्कुल घुमाना नहीं है, अपने आप घूमता है कि नहीं देखिए, सवाल पूछिए। 3, 4, 5 मेरे कार्यकर्ता, किसी का पत्थर नहीं घूम रहा। मैं बैठा, एक औरत थी ठेकेदार जिसने वो पत्थर का ठेका लिया था, मैं हाथ लेकर बैठा हूँ। 4 मिनट हो गए 5 मिनट हो गए पत्थर नहीं घूम रहा है। वो बोले आप में से किसी का पत्थर नहीं घूमने वाला है, आप नहीं घुमाओगे तो घूमेगा कैसा? यानी उसको पता था कि लोग खुद घुमाते हैं। फिर उस औरत के साथ में हमने अच्छी दोस्ती की, उसके ध्यान में आया कि ये लोग अलग लोग है जरा। फिर उसने वो पत्थर हमको उल्टा कर बताया, पिवोटल था, नीचे से ऐसा छोटा सा उसका एक छोर आया था, उसको तेल लगा था, इजीली थोड़ा सा उसको अगर ये प्रेशर आ गया, थोड़ा सा अगर उसको
फोर्स मिल गया तो फटक से घूमेगा। इस ढंग से बॉल बेरिंग जो एक्शन होती है उस ढंग से उस पत्थर को बनाया गया था। लेकिन वहां आने वाले लोग, हमें तुलजापुर की देवी निर्णय देती है दाई तरफ बाई तरफ घुमाकर, दाई तरफ यानी हाँ, बाई तरफ यानी ना। ये नारियल पर बैठकर घूमना, अब मैं अंधविश्वास के क्षेत्र में काम कर रहा हूं तो मुझे ये सब तो फेस करना ही है। 1983 के फेब्रुवरी माह में गुजरात के 48 कार्यक्रम का हमने एक दौरा किया। 1983 बी प्रेमानंद जी चमत्कार कर बताते थे और 3 घंटे में भाषण देता था। हमने टोटल पूरे गुजरात में 48 प्रोग्राम किए थे, 48 प्रोग्राम्स किए थे और कई चमत्कार उन दिनों में हमने एक्सपोज किए। अब प्रेमानंद जी बहुत मंझे हुए कार्यकर्ता थे, वो कोई बहुत उत्साह नहीं दिखाते थे चमत्कार एक्सपोज करने के लिए। लेकिन वहां के आयोजक जो थे, मुंबई का चमत्कार चकासने केंद्र और अलग अलग संस्थाएं, उसके जवान लोग साथ में थे। मैं भी नया नया कार्यकर्ता था, मुझे अभी काम शुरू कर 1 ही साल हो रहा था, तो नेचुरली वो और मैं, हमने कई चमत्कार वहां के एक्सपोज किए। उसमें बाकी लोग उसको पकड़ के लेके आए एक नारियल वाले को, मंत्र के आधार पर ये नारियल घुमाता है। मैं खुद उस नारियल पर बैठा रहा। नारियल पर दोनों पैर रखकर बैठना बड़ा मुश्किल है। उन दिनों में मैं थोड़ा दुबला था इसलिए शायद मुझे आसान हुआ, लेकिन ऊंचा तो था ही। बैठा रहा 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, ऐसे हाथ टेक के बैठा है, नारियल पर दो पैर रखे हैं, नारियल के नीचे एकदम सपाट जमीन है, प्लेन जमीन है ताकि नारियल इजीली घूम सके, और मैं हाथ ऐसे ही पकड़ के बैठा हूं तो घूमेगा कैसा। 20 मिनट होने के बाद भी जब नारियल घुमाने, उसके कितने मंत्र हो गए तो भी घुमा नहीं, उसको माफी मांगनी पड़ी। फिर केवल मजाक कर बाकी मेरे सभी दोस्त चमत्कार चकासने केंद्र के वो नारियल पर बैठे, किसी का नारियल घुमाने। अब 83 में जो एक्सपोज किया था हमने, जिसकी बहुत चर्चा गुजरात में हुई थी, ऐसे कई चमत्कारों की चर्चा गुजरात में हुई, क्योंकि हर भाषण में मैं कहता था, वो छपके भी आता था, पत्रकारों ने उसको बड़े पैमाने पर उठाया भी था, वही सब चीजें अभी मैं देख रहा हूं 2019 में। भाई आप जब तक घुमाओगे नहीं तब तक घूमेगा कैसा। और हालांकि ये सोनोने नाम का जो चैनल है उसमें उसने देखा कि उसके 3 किसान हैं, वो बैठे उस पर नारियल घूम नहीं रहा है, फिर भी उस बेचारे के ध्यान में नहीं आया कि ये जो अपने आप को पानाड़ी कहता है वो ठग है और वो खुद घूमता है। जब तक आप खुद घुमाओगे नहीं तब तक वो घूमेगा नहीं, ये सिंपल सी बात है इसके पीछे। तो मित्रों, मैंने इसके पीछे का साइंस आपको बताया। अब ये तो छोड़ दीजिए यार, ये दो चमत्कार जो है, आप चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, कहीं ना कहीं ये झुकने वाला है, थक जाते हो, थोड़ा हाथ स्ट्रेट लेकर आपको चलना है, हाथ कितना टाइम चलोगे, आपके हाथ झुकेगे नीचे जाएगा, नीचे गया वहां पर पानी है, ये तो आपके इसीलिए समझ में आ जाएगा, लकड़ी का रहे चाहे इसका रहे। ये दूसरा भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है इसमें कोई, ये आप स्ट्रेट रखना है, चलना है, चलते चलते ही वो कभी स्ट्रेट रहते नहीं है, ढीला पकड़ना है उसको, बहुत टाइट पकड़ना भी नहीं है, किसी कारणवश जैसे ही ये ऊपर होते हैं बहुत बड़े पैमाने पर डिफ्लेक्ट होते हैं। ये जो बाड़ू मामा कांदड़कर, इन्होंने ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे घूमते नहीं है अपने आप, ये तो अपन घुमाते हैं सीधा सीधा, ये ठगी है, जाहिर ठगी है, मैं जाहिर तरीके से कह रहा हूं कि यह ठगी है। मैं केवल कहता नहीं हूं, उसके साथ में 25 लाख रुपए का प्राइज होता है, जो भी ये सिद्ध कर दे कि यह ठगी नहीं है, ये सही में चमत्कार है, सीधा सीधा 25 लाख रुपए का मेरे संगठन का उसको प्राइज मिलेगा, वो तो बात मैं आगे कहने ही वाला हूं। 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत जर्मनी में हुई दिखती है। ये एल शेप और वाई शेप के रॉड्स, इसकी परंपरा रही है, इसलिए मैं पहले वो बात खत्म कर देता हूं। 1568 में स्पेन की सेंट टेरेसा
सेंट टेरेसा, ये नाम नहीं है, सेंट संत टेरेसा, फेमस संत मैं शुरू ही बाद में, उनके अपने अनुभव है। उनको कॉन्वेंट के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जगह मिल गई, लेकिन वहां पर पानी नहीं था। कॉन्वेंट यानी जहां पर ब्रह्मचारी स्त्रियां रहती है उसको कॉन्वेंट कहते हैं, लेकिन वहां पर पानी नहीं था। फ्रायर एंटोनियो नाम का एक इंसान वहां पर आया, उसने वाई शेप की लकड़ी ली, इसको ट्विक कहते हैं, और ये लकड़ी एक जगह हिली, झुक गई, हिल गई। फिर उसने कहा या खोदो पानी मिलेगा, और सेंट टेरेसा ने वहां कुआं खुदवाया और उसको पानी लगा। ये अनुभव सेंट टेरेसा ने लिख कर रखा है, 1568 की ये बात है। अब ये जो प्रकार है, डाउजिंग है, डाइवर्स है, इन कई लोगों को हमने आह्वान दिया। आज तक कोई भी डाइवर और डाउजर हमारे संगठन के आह्वान के आगे टिक नहीं पाया। लेकिन इसके संशोधन क्या हुए, 20वें शताब्दी में इसके काफी रिसर्चेस हुए, ये सब आप विकिपीडिया पर पढ़ सकते हो। जो ये चैनल चलाने वाले हैं, पानी के अंदर का, जमीन के अंदर का पानी ढूंढने वाले, उन सभी ने ये विकिपीडिया पढ़े। जॉन वॉल्टर ग्रेगरी नाम के जियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट यानी भूगर्भशास्त्री, उन्होंने काफी डाउजर्स के जरिए परीक्षण किए। उनके निष्कर्ष रहे, रिजल्ट्स वेयर मैटर ऑफ चांस, केवल चांस के नियम के अनुसार ही रिजल्ट्स मिले। ये चांस के रिजल्ट क्या होते हैं, मैंने कई बार मेरे व्याख्यानों में समझाया है, लेकिन हो सकता है कि आज आप पहली बार ये व्याख्यान सुन रहे हो। एक स्त्री है, गर्भवती है, मैं नहीं जानता हूं कि उसको लड़का होगा या लड़की होगी। अगर मैंने प्रेडिक्ट किया कि इस स्त्री को लड़का होगा तो शायद उसको लड़का होगा या लड़की होगी, 50-50% चांसेस है। मैंने अगर 100 स्त्रियों का प्रेडिक्शन किया कि आपको लड़का होगा, गर्भवती स्त्रियों का, तो मेरे प्रेडिक्शंस कितने सही हो सकते हैं। मैंने 100 के 100 स्त्रियों को कह दिया कि तुमको लड़का ही होगा। तो नेचर के नियम के अनुसार इसमें 2 चांसेस है, इसलिए 50-50% चांसेस है। कम से कम 50% स्त्रियों को लड़का होगा। जिस स्त्री को लड़का होता है उसको 50% लड़का नहीं होता है, उसको 100% लड़का होता है, और इसलिए उसके लिए यह 100% सही प्रेडिक्शन तय होता है। वो चिल्लाती कि ये अमुक अमुक बाबा ने कहा, ज्योतिषी ने कहा, 100% सच हुआ। ये 50% स्त्रियां इतना चिल्लाती है कि उसके आधार पर ये पूरे दुनिया में फैल जाता है कि ये प्रेडिक्शन सही होते हैं। लेकिन 50 स्त्रियों को लड़की होती है, वो चुप बैठती है, वो दूसरे ड्राइवर के पास जाती है, दूसरे डाउजर के पास जाती है, दूसरे पानाड़ी के पास जाती है, यानी दूसरे बाबा के पास जाती है। लेकिन जिनको सक्सेस मिलती है वो चिल्लाते रहते हैं। 100 नंबर में ये 50-50 ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है। मिनिमम 30% सच हो सकता है, मैक्सिमम 70% सच हो सकता है। 100 नंबर इतना छोटा नंबर है कि इसमें इतना फ्लक्चुएशन होता है। आप करोड़ ले गए, करोड़ प्रेडिक्शन में ये फ्लक्चुएशन बहुत कम मिलेगा, करीब करीब दोनों तरफ 50 लाख 50 लाख आ जाएंगे। इसलिए कम अगर रहेगा नंबर तो उसमें फ्लक्चुएशन बढ़ने की गुंजाइश। और आसान कर दूं, मेरे जमाने में स्कूलों में सवाल पूछे जाते थे, हा या ना टिक मार करो, दो ही चॉइस रहते थे, हा या ना। गाय को 4 पैर होते हैं, हा या ना टिक मार करो।
घोड़े को दो सिंह होते हैं, हा या ना टिक मार करो। अब मैंने अगर अभ्यास नहीं किया है तो मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता है, लेकिन मैंने आंख मूंद कर सारे के सारे सवाल हा टिक मार किए या फिर सारे के सारे सवाल नाना टिक मार किए, तो पॉसिबिलिटी है कि मुझे एक भी सवाल का जवाब ना आते हुए मेरे सवालों के जवाब 30% से 70% सच रहेंगे, क्योंकि 100 सवालों के मुझे जवाब देने। इसलिए कहते हैं इसको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30% से 70%। इसको कहते हैं चांस फैक्टर। यानी मुझे एक भी सवाल का जवाब मालूम नहीं है, लेकिन यहां पर केवल 2 चांसेस है, हा या ना। इसलिए 100 अगर सवाल है तो मैं 30% से 70% मार्क्स प्राप्त कर सकता हूं। इसको कहते हैं चांस फैक्टर, इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको कहते हैं अलग अलग नाम है शक्यतेचा नियम, इसको संस्कृत में कहते हैं काकतालीय न्याय। इसके आधार पर ये सब बातें चलती है, और जहां पर ये काकतालीय न्याय खत्म होता है वहीं से सही माने में साइंस शुरू होता है। अभी ये आम लोगों को समझ में आए, साथ में ये चैनल वालों को भी समझ में आए, इसलिए मैंने विस्तार से आपके सामने चांस फैक्टर क्या है ये बात रखी है। 1948 में न्यूजीलैंड में पीए ओंगले इस साइंटिस्ट ने 75 डाउजर्स को बुलाया, जो प्रसिद्ध डाउजर्स है न्यूजीलैंड के और यूरोप के, और ये 75 डाउजर्स पर प्रयोग किए गए। निर्णय आया नन मोर रिलायबल देन चांस, पिक्कम टोला से एक भी ज्यादा भरोसेमंद नहीं था। नॉट वन श्योर द स्लाइटेस्ट एक्यूरेसी, ये 75 फेमस डाउजर्स में से एक ने भी एक्यूरेसी के आसपास कोई रिजल्ट नहीं दिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से, ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ब्रिटिश का डिफेंस बहुत मजबूत है आप जानते हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ब्रिटिश के 1971 में उनके इंजीनियर फोकनर ने फाउल केस भी उसका उच्चारण हो सकता है, फाउल केस नाम के इंजीनियर ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए रिसर्च किया, डाउजिंग एक्सपेरिमेंट्स करवाए डाउजर्स को बुलाकर, एक भी अंदाज से ज्यादा विश्वसनीय नहीं था। ये उनका निर्णय रहा। अब ये डिफेंस मिनिस्ट्री के ओर से निर्णय है, बहुत सीरियसली ये किया गया संशोधन। चांस फैक्टर के अलावा कुछ भी नहीं इसका। और भी कई परीक्षण किए गए, मैं सब पढ़कर आपका समय उसी में नहीं गंवाना चाहता हूं। ये सब आपको विकिपीडिया पर पढ़ने को मिलेंगे। ये सब के सब प्रयोग फेल गया है। अब मित्रों, आपके सामने ये सवाल है कि इन लोगों की ठगी कैसे एक्सपोज की जाए। मैंने तो कहा मेरे जीवन में कई डाउजर्स को हमने आह्वान किया, वो भाग गए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़े बाबा थे। बुलढाणा जिले में चिखली के पास में एक शिरपुर नाम का गांव, वहां के शेषराव शेड़के नाम के एक बहुत बड़े बाबा। ये बाबा इतने बड़े बने थे कि उनके गांव में रोड से 10 किलोमीटर अंदर था, कोई गांव की कोई बस नहीं आती थी, लेकिन दिन में कम से कम 100 बसें आने लग गई। डेली 100 बसें उनके दर्शन के लिए वहां आती थी, स्पेशल ट्रेवल्स उनके लिए शुरू हो गई। नासिक में छगन जी भुजबल, तब शायद उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वे ये बाबा लोगों की दारू छुड़वाते थे, नशा छुड़वाते थे, इसलिए उन्होंने वहां पर उनका एक सम्मेलन आयोजित किया था
दर्शन सोहळा आयोजित किया था, दारू छुड़ाओ दर्शन सोहळा। उसके लिए नासिक शहर में 1,00,000 लोगों से ज्यादा लोग आए थे। इतना बड़ा ये बाबा। मैं मेरे एक किसी काम से बुल्ढाना में गया और मेरे पीछे इनका एक्सपोजर लग गया। चिखली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर थानेदार दराड़े, वो कहे कि मानव साहब आप यहाँ आए हैं, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में आए हो, सब लोगों की अपेक्षा है कि ये जो महाराज है शेषराव शेळके महाराज, इसको शंकर महाराज भी कुछ लोग बुलाते हैं क्योंकि शंकर भगवान के वो भक्त है, उन पर शंकर भगवान प्रसन्न है, इनको आप एक्सपोज क्यों नहीं करते। मैंने कहा ठीक है, आप उनके साथ में मेरी मुलाकात अरेंज करो। शेषराव महाराज के साथ में मेरी मुलाकात अरेंज हुई। मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं, ट्रेंड हूं, मेरी उनके साथ में सब टेप रिकॉर्डेड है। मुलाकात हुई, इंटरव्यू हुआ। अब मैं बहुत अच्छे ढंग से सामने के व्यक्ति से बातें बाहर निकलवाता हूं। पहले 10-15 मिनट में उनका विश्वास हो गया। वो बोले मैंने आपके बारे में इतना सुना था कि आप बहुत भयानक आदमी हो, आप तो बहुत सादे सुधे हो, बहुत अच्छे व्यक्ति हो। मैंने कहा ये तो है ही, मैं अच्छा ही व्यक्ति हूँ, बहुत भयानक वगैरह नहीं हूँ। धीरे धीरे मैं उसको बराबर अटकाते गया और उससे 2 आह्वान मैंने कबूल करवा लिए। एक तो झेंडू के फूल देकर बच्चे पैदा करवाता था, अब ये आह्वान तो स्वीकारा नहीं जा सकता, कौन 9 महीने रुकेगा, कितने लौड़तों को, और फिर मैं तब तक क्या कहूँगा कि अपने पति के साथ में संबंध मत रखो क्योंकि झेंडू के फूलों से बच्चे होते हैं आपको। शराब छुड़वाता, इसका तो मैंने पहले ही अभिनंदन कर दिया था, मैं खुद अपने जीवन में शराब नहीं पीता हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप में लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए सिखाता हूँ, लेकिन शराब छुड़ाना कितना मुश्किल है मुझे पता है। ठीक है, लेकिन आप प्रयास कर रहे हो, आपके नाम पर लोग अगर शराब छोड़ रहे हैं, मुझे मालूम है 2 साल के अंदर वो फिर से पीना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि शराब छूटने का प्रमाण 4% के ऊपर नहीं है, फिर भी उसका मैं आपका अभिनंदन करता हूं, मैंने जाहिर अभिनंदन भी किया। 2 आह्वान उनसे मैंने कबूल करवाए थे। वो जमीन का अंदर का पानी बताते थे। मैंने कहा आप जमीन के अंदर का पानी बताएंगे, बोर लगाएंगे, तब एक बोर का खर्चा 50,000 रुपए के ऊपर आता था, कितना ढूंढ पाएंगे, तो आपको पानी कैसा पता चलता है? बोले वो रहस्य मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने कहा थोड़ा सा पानी रहा 2-4 लीटर 5 लीटर तो भी आपको पता चलता है क्या? हाँ पता चलता है। कितने गहराई के अंदर का पता चलता है? बोले कुछ नहीं, कहीं भी पानी हो तो मुझे पता चलता है। मैंने कहा 2 फीट के अंदर पानी रहा तो आपको पता चलेगा? हाँ अच्छा पता चलेगा। और 500 फीट के अंदर वो भी पता चलेगा। मैंने कहा फिर ये आह्वान हम ले सकते हैं। मैं क्या करूंगा कि मटकों में पानी गाड़ कर रखूंगा, आप उसे पहचान कर बताइए। अब ये इंटरव्यू उनके भक्तों के सामने लाउड स्पीकर पर हो रहा था, सब उनके भक्त सुन रहे थे, भक्त बड़े पैमाने पर इकट्ठा था। उस एरिया के थानेदार, वो तो बड़े फौजदार होते हैं, वो अपनी पूरी टीम लेकर आए थे। तो महाराज ने यह आह्वान कबूल किया। दूसरा उनका आह्वान था जिसमें मुझे ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन वो तैयार थे कि सामने अगर कोई भी व्यक्ति आए तो इसके नाम पर कितनी जमीन है मैं बता सकता हूं। यह आह्वान की प्रक्रिया 1 दिन बाद चिखली पुलिस स्टेशन में अमल में लाने का तय हुआ। बीच में 1 दिन की गैप। चिखली पुलिस स्टेशन के आसपास का बहुत बड़ा मैदान था जो पुलिस स्टेशन के अंदर था, उसको वॉल भी थी। हमने कहा उसी के अंदर करेंगे, दराड़े साहब भी रेडी हो गए कि उसी के अंदर करेंगे। दूसरे दिन रात को हमने कम से कम 100 गड्ढे खोदे। मैंने आसपास के किसी कार्यकर्ता को इन्वॉल्व नहीं किया, एक भी पुलिस को नजदीक नहीं आने दिया, क्योंकि पूरे पुलिस स्टेशन के लोग महाराज के भक्त थे।
सबके सामने हमने करीबन 60-70 मटके लाए, पानी बुलवाया, 60-70 गड्ढे खोदे, क्योंकि मुझे पता था कि गड्ढा कहाँ खोदा गया है ये पता चलने वाला है। जमीन कितने भी एक सरीखी करने का प्रयास किया तो भी खोदा हुआ खड्डा पता चल सकता है, और दिन में होने वाला है आह्वान बाद में। इसलिए ये जो 60-70 खड्डे हमने खोदे थे उसमें से केवल 20% मटकों में मैंने पानी रखा। सबके ऊपर ऊपर में एक ढक्कन था, बाकी मटके वैसे ही खाली रखे। बाकी के मटके खाली है किसी को पता नहीं था, मेरे केवल 2 महत्व के कार्यकर्ताओं को पता था, बाकी सब कार्यकर्ताओं को हमने निकाल दिया था, किसी से भी ये न्यूज बाहर न जाए, इसलिए ये गुप्तता रखना बहुत आवश्यक है। याने जितने मटके हमने रखे थे उसमें 20% मटकों में पानी था। अब बाबा का दावा क्या था, वो पानी पहचानता है, मटके थोड़ी पहचानने को उसको कहा था। दूसरे दिन 9 बजे बाबा आह्वान पूरा करने वाले थे। सुबह से पत्रकारों के फोन आ रहे हैं, कुछ आकर मुझे पकड़ रहे हैं, क्योंकि मैं बुलढाणा रेस्ट हाउस में रुका था। पत्रकारों का इतना दबाव आया कि मुझे भागकर 8:30 बजे वहां पहुंचना पड़ा। मेरे साथ में वहां के DYSP भी आए थे। वहां जब मैं पहुंचा चिखली पुलिस स्टेशन, तो मैं देख रहा हूं 5,000 की पब्लिक इकट्ठा हो चुकी है 8:30 बजे। 9 बज गए, पत्रकार बोले आप बहुत रिलैक्स हो, आपकी तैयारी हुई क्या? मैंने बोला हाँ। बोले हमने सुना है पुलिस की ओर से कल रात को आपने कुछ खड्डे खड्डे खोदे, लेकिन कौन से 10 आदमी है आपके, कौन से जो बताने वाले 10 आदमियों के जमीन कितनी है हर एक के नाम पर? मैंने बोला है उसकी चिंता मत करो, सब है, आप चिंता मत करो। सब पत्रकार बोले अब इतना समय नजदीक आया आह्वान का, आपके चेहरे पर शिकन नहीं है, आप रिलैक्स हो, हंसते खेलते हो, क्या बात है? मैंने कहा बाबा क्या मूर्ख है क्या आने वाला यहाँ पर, अपने भक्तों के आगे वो अपने आप को तुड़वा लेगा क्या? वो नहीं आने वाला। दराड़े साहब का जीप लेकर वहां पर हाजिर थे सुबह से उनको लेने के लिए, लगातार वायरलेस पर मैसेज आ रहे थे, अभी बाबा निकल रहे हैं, अभी मंदिर में गए हैं, अभी ये हुआ है, अभी वो हुआ है। डिवाइस पे मेरे साथ में बैठे थे, वो लगातार सुन रहे थे सब, इसलिए मुझे भी सुनाई दे रहा था। 11:30 बजे के दरमियान सब लोग बड़े पैमाने पर अस्वस्थ हो रहे हैं, करीबन अभी 5,000 के 7,000 बन गए हैं। पत्रकार सभी 2 जिलों से 3 जिलों से आ चुके हैं, और 11:30 बजे मैसेज आया कि शंकर भगवान जी के मंदिर में बाबा गए थे, शेर के बाबा, उनको शंकर भगवान जी ने कहा है कि ऐसे फालतू आह्वान हम स्वीकारते नहीं है, जिनकी हम पर श्रद्धा होगी वो हम पर विश्वास रखेंगे, जिनकी हम पर श्रद्धा नहीं है ऐसे लोगों के हम आह्वान स्वीकारते नहीं, इसलिए तुम मत जाओ। शंकर भगवान जी मुझसे बात किए और उन्होंने कहा मत जाओ, इसलिए मैं नहीं आने वाला। फिर क्या था, ये जो 7,000 पब्लिक इकट्ठा हुई थी उसमें तो मेरे कार्यकर्ता तो बहुत कम थे, मेरे सहानुभूतिवार थे उसमें से मैक्सिमम इधर उधर थे। मैक्सिमम लोगों को लगता था कि शेर के बाबा शंकर भगवान जी का अवतार है, खुद शंकर भगवान जी है, वो मानव साहब के तो चटाने वाले, उनको सबक सिखाने वाले, ये सिद्ध करने वाले। फिर मैंने भाषण ठोका भाग गए करके। फिर उसके बाद में ये लड़ाई इतनी बड़ी कि मुझे बुलढाणा में कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी सभा आयोजित करनी पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रह चुके थे, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का राज था। अटल बिहारी जी की सभा के लिए जो तैयारी थी, वो सभा पूरी की पूरी तैयारी हमारे DSP तब सावरकर जी थे, सावरकर नाम के SP थे वहां के, उन्होंने वैसी की वैसी तैयारी रखी। उनको अंदाजा आ गया था कि बहुत पब्लिक आने वाली है, पुलिस का आंकड़ा है 35,000 लोग इकट्ठा हुए थे, मैं मानता हूं 15-20 हजार लोग हो गए, और उनके सामने
ये शेळके बाबा भंडाफोड़ विस्तार से वहां पर हुआ। मित्रों, ये आह्वान इस ढंग से स्वीकारा जा सकता है, तब ये हमारे आह्वान की राशि केवल 2 लाख रुपए थी, अब ये आह्वान की राशि सीधी सीधे 25 लाख की है। अब बाबा तो भाग गया, मैंने भाषण भी ठोक दिया, आगे 35,000 लोगों के सामने सभा हुई, मेरे जीवन की जो कुछ बड़ी सभाएं उसमें से एक थी, और उसके बाद में ये बाबा पूरी तरह से खत्म हो गया। उसको कोई मॉरली बचा नहीं, उसके बाद में भगोड़ा कर सिद्ध हो गया, और बाद में वो मर भी गया। अब मेरी सलाह है आपको जो सुन रहे हैं, उन सब लोगों को, जब भी आप इन पानाड़ियों को बुलाओगे तो सबसे पहले, या फिर जो भी लोग ये जो YouTube चैनल पर प्रसिद्धि कर रहे हैं ना, उन सबको आप आड़े हाथों लो। मेरे संगठन का सीधा सीधा 25 लाख रुपए का प्राइज है। आपको पानी के रेडिएशन मिलते हैं ना, करंट मिलता है ना, आइए हम मटकों में पानी रखेंगे, जमीन में गाड़ेंगे। आप अगर 90% भी करेक्ट बता दे तो आपको 25 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। आप कितने बता पाओगे स्पॉट, वो पहले तय करेंगे, नहीं तो ये ठगी बंद करो। मैं आह्वान करता हूं कि जो भी किसान है या फिर जो जागरूक युवक है, उन्होंने इन पानकों को, पानाड़ियों को, ये चैनल्स वालों को आह्वान दो, मटके गाड़ो, और ये सही माने में पहचानते हैं कि नहीं, वो स्पॉट फिक निकालते हैं कि नहीं। देखो, अब ये बोलेंगे जमीन में पानी है इसलिए हमको लगा, हमको महसूस हुआ, तो ऐसी जगह चुनो कि जहां पानी होने की गुंजाइश नहीं, ताकि उसके लिए भी डाउट ना बचे। ये क्या होता है मित्रों, ये नारियल लेकर चल रहे हैं, ये खड़ा होता है, अगर आप हाथ भी नहीं हिलाते हो तो भी ये खड़ा होता है। अभी आपके सामने मैं कर बता रहा हूं, हाथ भी नहीं हिला तो भी खड़ा हो गया। और ये सिंपल ट्रिक है और कुछ नहीं है। और आप अगर देखोगे YouTube चैनल पर इन लोगों के वीडियोस, तो ये चलते चलते कितना हाथ घुमा रहे हैं, कितना हाथ खुला यानी हिला रहे हैं, आपके ध्यान में आ जाएगा। अब अगर आपने इस ढंग से नारियल रखा, ये हाथ ऐसा है, यहां पर नारियल रखा, ये नारियल को आगे की चोटी है, पानी वाला नारियल है, आपने हाथ सीधा भी रखा और केवल थोड़ा पुश किया, थोड़ा पुश, पुश यानी कहा सामने के उंगलियों से पुश करने की जरूरत नहीं, ये जो हिस्सा होता है हमारे उंगलियों का, ये हिस्सा, ये इसको थोड़ा सा ऐसा प्रेस करो, ऐसा प्रेस करो एक जगह पे, तो पुश मिल जाता है और नारियल खड़ा हो जाता है। सेम अंडे के बारे में, अभी अंडा छोटा होता है इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो खड़ा रहेगा, गिरेगा, सेम थोड़ा सा पुश करो, थोड़ा सा पुश करो तो ये हिल जाएगा, खड़ा हो जाएगा। अब इसकी जगह ही थोड़ी है तो ये ठीक ढंग से खड़ा नहीं रहेगा, लेकिन नारियल बहुत अच्छे ढंग से खड़ा रहेगा। नारियल को एक तरफ छोटी रहती है, दूसरी तरफ इसको पूरी तरह से साफ किया जाता है, इसमें कोई भी चमत्कार नहीं, ना ही पानी से कोई रेडिएशन निकलता है, और ये रेडिएशन शरीर में से दौड़ता है और इसलिए नारियल खड़ा होता है। ये थियरी में तो कोई मतलब नहीं है, ये केवल ठगी है, केवल ठगी है और कुछ भी नहीं। अब इन लोगों के खिलाफ कानून का क्या, महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून बना 2013 में, उस कानून में का हर हस्ता यानी हर शब्द मैंने फाइनल किया,
इस कानून में कुछ चीजों के लिए छूट दी गई है, यानी छूट इस ढंग से दी, छूट नहीं दी गई है भाई, ये कानून इन लोगों को लागू नहीं होता, इन लोगों के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं। किन लोगों के लिए? जमीनी खालचे पाणी सांगण्याबद्दल दिला जाणारा सल्ला, जमिनी खालचे पाणी सांगण्याबाबत दिला जाणारा सल्ला, जमीन के नीचे पाणी है इसके बाबत जो सल्ला दिया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है, एडवाइस दिया जाता है, वो ये कानून में नहीं है भाई। एडवाइस, आज बाज के कुएं में पानी है, यहाँ अच्छी झाड़ी है, अमुक अमुक प्रकार के पेड़ है, इसलिए आपके खेत में पानी लग सकता है, ये अगर कोई सलाह देता है तो ऐसा कोई प्रावधान कानून में नहीं है। लेकिन कानून में नंबर दो का प्रावधान है, जिसको शेड्यूल कहा जाता है। महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून क्या है, मराठी में तो विस्तार से मैंने रखा ही है, लेकिन हिंदी में भी दो वीडियोज अपलोड किए हैं, वो आप विस्तार से उसको सुन सकते हो, श्याम मानव चैनल पर उपलब्ध है। चमत्काराचा प्रयोग प्रदर्शित करून, शेड्यूल नंबर दो, चमत्काराचा प्रयोग प्रदर्शित करून त्यापासून आर्थिक प्राप्ती करणे, त्याचा प्रचार प्रसार करून लोकांना फसवणे ठगवणे, ये कानूनन अपराध। चमत्कार प्रात्यक्षिक कर उससे अर्थ प्राप्ति करना, लोगों को ठगना, उसका प्रचार प्रसार करना, ये कानूनन अपराध है। जादू टोना विरोधी कानून के तहत ये सभी YouTube चैनल्स पर, ये जो बता रहे हैं ना, नारियल से पानी ढूंढो, ये डाउजिंग के लकड़ी से पानी ढूंढो, वाई शेप के एल आकार के इससे पानी ढूंढो, अंडे से पानी ढूंढो, ये सभी के सभी लोग महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून के तहत गुनहगार बनते हैं, इनको ये कानून लागू होता है। ये पानी का सलाह नहीं हुआ, आप चमत्कार का प्रयोग कर रहे हो। ये नारियल अपने आप हिलता है ना, पानी अंदर होता है उसके करंट के कारण, तो ये चमत्कार हुआ ना, तो सीधा सीधा ये कानून लागू होता है। आप पैसे लो ना लो, लेकिन आप इसका प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो इसके भी, इसको भी इक्वली ये कानून लागू होता है। और ये कानून लागू होने के बाद FIR पुलिस को कंपलसरी दर्ज करना होता है। जादू टोना विरोधी कानून का प्रचार प्रसार समिति का मैं सह अध्यक्ष हूं, अध्यक्ष इसके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, अभी भी हूं। आप सीधा सीधा पुलिस में केस दर्ज कीजिए, अगर वहां के इंस्पेक्टर केस दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझसे फोन कीजिए, क्योंकि इस कानून के तहत जो अप्रोक्ष मदद करता है उस पर भी ये केस दाखिल होती है, यानी कल जाकर वो इंस्पेक्टर भी ये केस दाखिल हो सकती है कि उसने जाने अनजाने में इन ठगी को सहायता की है। इसलिए FIR दर्ज करना ही होता है, और एक बार ये बात सिद्ध हो गई तो मिनिमम जेल है 6 माह कारावास, मिनिमम 6 माह कारावास से 7 साल तक कारावास हो सकता है, और 5,000 रुपए से तो 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये कॉग्निजिबल है, यानी FIR दर्ज करनी ही होती है, और नॉन बेलेबल है, पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिलती है, बेल सीधी लेनी पड़ती है कोर्ट से। तो जादू टोना विरोधी कानून इसको लागू होता है, जगह जगह पर इस कानून के तहत आप गुनाह दाखिल कर सकते हो। इसलिए मेरा सभी जवान लड़कों को आह्वान है, कम से कम जो किसानों के बेटे हैं उनको आह्वान, ये ठगी को रोकिए, कम से कम महाराष्ट्र में तो ये कानून है उसका फायदा उठाइए। बहुत मेहनत से ये कानून किया गया है, सभी ने बहुत पापड़ बेले, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या भी हुई,
हमारी पूरी जिंदगी इस कानून के लिए हमने लगा दी। ये कानून का फायदा उठाइए और इन ठगों को जेल में भेजिए। कोई उपकार नहीं कर रहे, लोगों को ठग रहे हैं। अगर आप बता ही नहीं सकते हो जमीन के अंदर पानी है कि नहीं, तो क्यों दावे करते हो? अरे खुद जांच के देखो ना। ये सभी चैनल्स वाले को मैं आह्वान करता हूं कि खुद जांचो। जमीन के अंदर आपको पता न होते हुए मटके गाड़ो, कुछ में पानी रखो कुछ में पानी मत रखो, और कोई भी बड़े से बड़े काड़ू मामा से लेकर कोई भी बड़े से बड़े पांडके को बुलाओ और वो पहचान पाता कि नहीं, देखो, तब आपके ध्यान में आएगा कि ये सभी के सभी ठगी करने वाले लोग हैं। मैं जाहिर तरीके से ठगी का आरोप लगा रहा हूं, 25 लाख रुपए के प्राइस का आह्वान दे रहा हूं, और साथ में महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून लगता है ये कह रहा हूं, पूरे महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग मैंने किया है, उनको कानून ये बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, तो आप ये एक्शन ले सकते हो। महाराष्ट्र के बाहर के लोग क्या करेंगे? जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं, वे अगर कोई पानके को देखते हैं, पानाड़ी को देखते हैं, डाउजर्स को देखते हैं, और ऐसे कोई चमत्कार का वो उपयोग करता है, वो केवल अगर सलाह देता है कि भाई यहाँ आसपास में पानी है, बाजू के कुएं को पानी है, या जमीन इस ढंग से मेरे मुझे दिख रही है तो यहाँ पानी लग सकता है, तो ये सलाह हो गई। अब ये सलाह कोई बहुत एक्यूरेट नहीं है, उसके लिए भूगर्भ शास्त्री है, जियोलॉजी ये विषय है, उनके तज्ञों ने कुछ कहा तो बात अलग है। लेकिन अगर ये बात कोई सलाह देता होगा तो ठीक है, लेकिन अगर ये चमत्कार करता होगा, चाहे अंडे का हो, चाहे वाई शेप लकड़ी का हो, चाहे एल शेप रॉड्स का हो, चाहे नारियल का हो, तो ये चमत्कार के क्षेत्र में आता है। चमत्कार की डेफिनेशन पहले ही मैंने आपके सामने रखी। इन लोगों को सीधा सीधा जेल में ठूसिए। ये बड़े पैमाने पर लोगों को ठगते हैं। महाराष्ट्र के बाहर के लोग 420 कलम के अंदर उसका उपयोग कर ठगी के कलम का उपयोग कर भी उनको भेज सकते हैं। अब रहा सवाल ऐसा कि आप बार बार इन लोगों को, पानाड़ियों को, डाउजर्स को, डाइवर्स को आह्वान दीजिए। जमीन के अंदर का पानी आपको पता चलता है ना, फिर हम मटके गाड़ के रखेंगे, आप बताइए। और मैंने जो केयर बताई वो पूरी तरह से लीजिए, शंका के लिए कोई जगह मत रखिए। और इसके बावजूद अगर आपके कुएं, आपको कुआं खोदना ही है या फिर बोर करना ही है, तो स्टैम्प पेपर पर ये पानाड़ी से लिख कर लीजिए। कम से कम इतना तो कीजिए कि भाई अगर पानी नहीं लगा तो आपको दिया हुआ मानधन, चाहे फोकट में करो कैसे भी करो, और जो भी खर्चा आया बोर का और उसके पैसों का ब्याज, इतना आप मुझे वापस करोगे। ये स्टैम्प पेपर पर लिखकर फिर बाद में उनको पानी ढूंढने दीजिए। कम से कम इतना कीजिए। पहले ही हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर किसान ठगे जाते हैं। मैं किसान का बेटा हूं, अपने आप को किसान का बेटा समझता हूं। पहले ही मैं बहुत अस्वस्थ रहता हूं कि किसान की अवस्था तो इस देश में बदलने वाली नहीं है। एक तरफ सरकार अपनी अर्थव्यवस्था के जरिए उनका शोषण कर रही है, उनको मार ही रही दिन ब दिन। नई सरकार की अवस्था में तो कोई बदलाव की परिस्थिति नहीं है। कांग्रेस के जमाने में नहीं हो पाया तो अब क्या होगा? दिन ब दिन किसानों की अवस्था बिगड़ते जाने वाली है। बहुत विस्तार से ये बातें मैंने अपने हिंद स्वराज्य गांधी जी का, उसमें जो ग्राम स्वराज्य आपके सामने रखा है, उसमें बहुत विस्तार से नंबर्स के साथ में क्यों ऐसा हुआ, कैसा हमारा नियोजन रहा है, ये सभी बातें रखी है। हर किसान के बेटे ने ये व्याख्यान सुनने चाहिए, ताकि उनके ध्यान में आएगा कि हमारी परिस्थिति आज क्यों ऐसी है। उसमें ये ठग नए नए, कम से कम हमें ना ठगे ये हमने देखना चाहिए, और इसलिए आपने जागरूक होना चाहिए और इन लोगों को रोकना चाहिए।
तो मित्रों ये बातें मैंने आपके सामने कही है, तीन बातें। पहले मेरे संगठन का सीधा सीधा 25 लाख रुपए का प्राइस है, आप अंदर का पानी ढूंढ कर बताओ, वो आपको मिलेगा। दो बार ये प्रयोग होगा। पहली बार में अगर आप 90% करेक्टली बता पाए तो दूसरी बार भी आपको 90% करेक्टली बता पाना आवश्यक है, तब जाकर आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे। पहली बार में आप फेल हुए तो भी आपको दोबारा ये करने का चांस मिलेगा। एक पानाड़ी ने या एक डाउजर्स ने ये करना चाहिए, ऐसा नहीं। आप 50-100 मिलकर भी निर्णय लेते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 लाख रुपए का अगर आपको प्राइस चाहिए तो हमारी शर्त होती है कि 2.5 लाख रुपए आपने डिपॉजिट रखने हैं। अगर आप हर गए तो ये 2.5 लाख रुपए जब्त हो जाते हैं, क्योंकि जो खर्चा हम करते हैं वो खर्चा उसमें से निकलना चाहिए, और भाग कर गए तो उनको कुछ सजा होनी चाहिए, इतना ध्यान में रखिए। दूसरा, मैंने आपसे कहा है कि डायरेक्टली जादू टोना विरोधी कानून लागू होता है। ये कानून का हर शब्द मैंने लिखा है, फाइनल किया है, पुलिस का ट्रेनिंग लिया है। आप सीधा सीधा केसेस दाखिल कर सकते हो, और महाराष्ट्र के बाहर का भी यूट्यूब चैनल होगा तो भी उस पर भी केस दाखिल कर सकते हो, उस व्यक्तियों पर केस दाखिल कर सकते हो, क्योंकि वो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए कानून लागू होता है। प्रचार प्रसार करना भी इक्वली अपराध ठहराया गया है इस कानून के तहत। और तीसरी बात मैंने कही है कि जो भी लोग ये डाउजर्स के जरिए पानी की जगह निश्चित करते हैं, उन्होंने स्टैम्प पेपर पर लिख कर लीजिए कि अगर आप पानी नहीं लगा तो पूरा का पूरा खर्चा बैच के साथ में, ट्यूबवेल का पूरा खर्चा, बोरिंग का पूरा खर्चा, यानी बोरिंग होगा ट्यूबवेल तो आप लगाओगे नहीं, लेकिन बोरिंग का पूरा खर्चा और मानधन और बाकी खर्चा बैच के साथ में वो पानाड़ी वापिस करेगा, ये स्टैम्प पेपर पर लिख कर ले लो। और अगर सही में वो फेल होता है तो पैसे ले लो। ये करो, हिम्मत दिखाओ और अपने आप को ठगना बंद करो, और दूसरे लोग जो आपको ठग रहे उनको सबक सिखाओ। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।